हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। तो आज हम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एक्सप्लोर करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ टू कोड दिस स्ट्रेटजी इन पाइथन। और मैं यूज कर रहा हूँ एलाइस ब्लू का एपीआई फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट और आल्सो फॉर लाइव डेटा फीड आई यूज एलाइस ब्लू। ओके, तो आई होप कि यू नो ऑलरेडी अबाउट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, बट स्टिल मैं ब्रीफ कर देता हूँ जिससे कि अगर जिनको नहीं पता है तो उनको आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली हम करने के बाद। ओके, आई जस्ट रैंडमली सर्च ऑन गूगल एंड गेट दिस फर्स्ट आर्टिकल ऑन गूगल। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर रखा है आर्बिट्राइज इज अ स्ट्रेटजी फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइवेट डिफरेंस इन डिफरेंट मार्केट फॉर सेम एसेट। मीन्स कि एक ही एसेट अगर दो मार्केट में ट्रेड हो रही है तो हम वहाँ पे आर्बिट्राइज अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन डू दिस। और यहाँ पे देखा है कि फॉर इट टू टेक प्लेस देर मस्ट बी सिचुएशन एटलीस्ट टू इक्वलेंट एसेट विद डिफरेंट प्राइस। मीन्स की दोनों प्राइस डिफरेंट होने चाहिए एक इसी टाइम इंस्टेंट पे। ओके, एंड व्हाट यू विल डू, यहाँ पे देखो इस प्रोडक्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्बिट्राइज इज परचेसिंग एन एसेट इन द मार्केट वेयर प्राइस इज लोअर एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग द एसेट इन द मार्केट वेयर द एसेट इज हायर प्राइस। तो ये थी बेसिकली थ्योरी। हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू एग्जाम्पल। ओके, मैंने आर्बिट्राइज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लिया है मारुति का। और वन मोर थिंग, आर्बिट्राइज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस पे वर्क करता है कि अगर कोई भी स्क्रिप्ट स्पॉट में और डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड होती है तो ऑन द एक्सपायरी डेट दोनों की प्राइस सेम होती है। मीन्स कि जब भी एक्सपायरी होगी तो स्पॉट और डेरिवेटिव की प्राइस जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाते हैं। ओके, इसी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग वर्क करती है। सो लेट्स मूव टू अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। ओके, तो आज है 24 फरवरी और मैंने यहाँ पे मारुति के सिंबल का एग्जाम्पल लिया है। तो मारुति का आज का स्पॉट का जो प्राइस है वो है 6954। ओके, और अप्रैल की जो फ्यूचर की प्राइस है वो है 7025। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है 71, मीन्स की अराउंड 1.02%। तो अगर मैं स्पॉट के मारुति के 100 क्वांटिटी शेयर बाई कर लूँ और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर दूँ तो मैं 71 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक कर लेता हूँ और ये 100% मिलना ही मिलना है, इसमें नो डाउट कोई। ओके, तो अपने को कितना प्रॉफिट होगा, 71 × 100 = 7100 प्रॉफिट। तो आप समझ रहे हो ना कितना ही एक श्योर, मतलब श्योर एंड रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है। बट इसका कॉस्ट ये है कि आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अराउंड आपको 7 to 8 lakh रुपए लग जाएंगे। आपको सोचो ना, ये 6954 की 100 मीन्स ये अराउंड 7 lakh की तो आप इक्विटी में बाइंग करोगे, अराउंड 1.5 lakh की आप फ्यूचर में शॉर्ट करोगे, तो इस अराउंड 8 lakh रुपीज, मतलब 8 lakh रुपीज आप 2 महीने के लिए इन्वॉल्व मतलब लॉक करते हो और आपको प्रॉफिट मिलता है कितना, 7100। तो इस तरह देखो तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है, बट स्टिल अगर आप बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हो, आप ऐसे बंदे हो जो कि जैसे फील करता है कि उसका पैसा बैंक में ही सेफ है, तो ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेटजी बहुत ही प्रॉपर है। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पे। तो आई गेस आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आर्बिट्राज स्ट्रेटजी वर्क करती है अपने NSE के मार्केट में। ओके, तो अब मैं चलता हूँ कोडिंग पे। और कोडिंग पे आने से पहले हम क्या करेंगे कि एक और चीज़ देख लेते हैं एक्सेल। ओके, तो जो कोडिंग का फ्लो है बहुत ही सिंपल है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि हमें क्या करना है कि एक टाइम स्टैम्प पे अपने को स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस को कंपेयर करना है। अगर उसमें स्प्रेड हमें मिलता है, मे बी आपका क्राइटेरिया 2% का है, 3% का है, ऐसे इतना मिलता नहीं है, बट सम हाउ यू गेट 3-4%, तो आप एट द सेम टाइम आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लोगे। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को सारे फ्यूचर के और स्पॉट के दोनों ही सिंबल को सब्सक्राइब करना होगा फॉर डेटा फीड। ओके, तो इसके लिए आपको लिस्ट चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का भाव कॉपी NSE से डाउनलोड कर रखा है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा कि इस भाव कॉपी से यहाँ पे फ्यूचर के जितने भी सिंबल है उनको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा अलॉन्ग विद देयर एक्सपायरी डेट। और ये स्प्रेड का जो सिचुएशन है मोस्टली ये फॉर कॉन्ट्रैक्ट में ही मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्रैल का ही एक्सपायरी पिक कर रहा हूँ। ओके, ये बेसिकली अपना एक फ्यूचर एंड ऑप्शन की भाव कॉपी है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसमें से सिंबल पिक कर लूँगा और साथ में इनके एक्सपायरी मंथ भी पिक कर लूँगा, एक्सपायरी डेट। ओके, इसके लिए मैंने सिंपल सा कोड लिख रखा है, पहले उसको समझते हैं फिर हम प्रॉपर कोडिंग देखें। ओके, तो लास्ट कम टू आवर एनाकोंडा एंड हियर इज फाइन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली मैं इस फाइल को रीड करूँगा व्हाट इज शो हियर, और यहाँ से मैं सिंबल और एक्सपायरी डेट को पिक कर लूँगा और फिर हम इस डेटा को यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन में। ओके, लेट्स सी हाउ यू कैन डू दिस। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 4 लाइनिंग कोड लिख रखी है, ये हमेशा करते रहते हैं हम लोग, एंड रन इट। तो देखो अपना भाव कॉपी आ गया। यहाँ मैंने क्या किया है, रीड की है और मैंने इंस्ट्रूमेंट्स फिल्टर कर लिया है ओनली स्टॉक फ्यूचर स्टॉक, एंड एक्सपायरी मैंने पिक की है 325,
यहाँ पे देखो क्या आ गया है, अपना इंस्ट्रूमेंट आ गया, जितने भी सिंबल हैं, अगर देखो 140 स्क्रिप्ट है राइट ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और यहाँ पे अपने को एक्सपायरी डेट भी है। हमने को चाहिए क्या, ये सिंबल चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, ये दो वैल्यू चाहिए अपने को एलाइज ब्रू में सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि सिंबल जो स्पॉट में है वो तो हम इसी से सब्सक्राइब कर लेंगे, बट FNO के लाइव डेटा को सब्सक्राइब करने के लिए अपने को एक्सपायरी डेट भी चाहिए होगा, इसलिए हम इसमें से ये दो कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी कॉलम हम डिस्कार्ड कर लेंगे। ओके, हाउ वी कैन डू दिस, जस्ट रन इट अगेन। और ये देखो अपनी केवल दो आ गई, दो कॉलम, और अपने को इतनी की रिक्वायरमेंट भी है, अपने को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी कॉलम को रीड कर लूंगा और इसे सब्सक्राइब कर लूंगा जब हम अपने प्रॉपर कोडिंग पे जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर, हाँ वन मोर थिंग, आई लेफ्ट वन मोर थिंग फॉर यू गाइस। अभी क्या करना, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, मैं क्या करता हूँ ना कि जो स्मॉल कॉन्सेप्ट, जो भी फंक्शन या काम कर सकते हैं मॉड्यूल यूज होने वाले कोड में, मैं उसको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर जब हम जाएंगे VS कोड पे प्रॉपर प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे बस आपको दिखाऊंगा कैसे इस फंक्शन के थ्रू हमने यूज किया हुआ है। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको, जैसे ये डेटा फ्रेम है राइट ना, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये आरती इंडस्ट्रीज लाइक है, अगर आपको इस डेटा फ्रेम में इस वैल्यू को चेंज करना, लाइक ओपन हाई लो, इन तीन वैल्यू को आपको चेंज करना था, हाउ यू कैन डू दिस, इन सब डेटा फ्रेम में आपको बेसिकली अपडेट करना है, इस रो में आरती इंडस्ट्री के करस्पॉन्डिंग आपको ओपन हाई लो क्लोज को अगर अपडेट करना है, तो आप इसे कैसे करोगे, ये भी समझ लेते हैं, इसका हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो हाउ यू कैन डू दिस, सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैं भाव कॉपी में इंडेक्स सिंबल सेट कर देता हूँ। ओके, लेट मी चेंज दिस थिंग, क्योंकि अपने को एग्जाम्पल समझ आना, तो आई गिन रन दिस थिंग, सो वी गेट दिस भाव कॉपी वेरिएबल, राइट नाउ स्किप दिस पार्ट, आई डिलीट दिस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंबल को इंडेक्स सेट कर लेता हूँ। ओके, रन दिस थिंग अगेन, इफ आई रन दिस थिंग यू कैन सी नन ऑफ सिंबल आर इन कॉलम वाई इट्स गोइंग। ओके, फाइन, नीट, ये देखो, अब देखो ये सिंबल क्या है अपना, ये इंडेक्स बन चुका है। ओके, मैंने इंडेक्स इसलिए बनाया है क्योंकि अपने को इसे एक्सेस करने में इजी होगा थ्रू इंडेक्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि आरती करस्पॉन्डिंग ओपन हाई लो चेंज करेंगे। हाउ यू कैन डू दिस, आई विल शो यू अगेन इन वन लाइन। जहाँ भी देखो मैंने क्या किया, आरती इंडस्ट्री को एक्सेस किया भाव डॉट LOC फंक्शन से, एंड मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं जिन कॉलम की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, लाइक मुझे क्लोज और लो चेंज करनी है 2 और 3 से। ओके, तो जस्ट रन इट एंड सी व्हाट हैपेंड। और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज और लो चेंज हो गए। तो ये जो ऑर्डर है ना, क्लोज इज करस्पॉन्डिंग टू 2 एंड लो इज करस्पॉन्डिंग टू 3, तो अब देखो यहाँ पे ये क्लोज और लो चेंज हो गए। तो आई थिंक यू गेट आइडिया कि कैसे हम भाव कॉपी से अपने सिंबल और एक्सपायरी डेट को फेच करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कैसे आप किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे आप उस रो को अपडेट कर सकते हो। बेसिकली ये दोनों लॉजिक आपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस थिंग हियर इन एनाकोंडा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर प्रॉपर कोडिंग इन VS कोड। ओके, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीट कोड, मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारा फ्लो क्या है। सबसे फर्स्ट फ्लो क्या है, हम एलाइज पे लॉग इन करेंगे, फिर हम स्क्रिप्ट सब्सक्राइब करेंगे, आफ्टर देन हम सारी स्क्रिप्ट के डेटा को एक डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे, फिर हर एक रेगुलर 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि अगर किसी भी स्क्रिप्ट में अपने को स्प्रेड मिल रहा है तो हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इस मच सिंपलर देन ORV स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल से मतलब नहीं, हमें केवल एक रेगुलर इंटरवल पे टाइम डिफरेंस को, सॉरी प्राइस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, और अगर वो स्प्रेड अपने अकॉर्डिंग है तो हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव एंड स्टार्ट फ्रॉम मेन। तो हमने क्या किया, एलाइज डॉट लॉग इन, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, यहाँ पे क्या है कि हमने लॉग इन किया, जस्ट गो ऑन दिस कंसर्न, यहाँ पे क्या है, मैंने एक्सेस टोकन जनरेट की, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, और ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे एलाइज ब्लू के गिटहब पेज पे भी, और ये ऑलरेडी मैं ये शेयर भी करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। ओके, फिर ये देखो क्या है, हमने सब्सक्राइब किया, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, दिस वन इज इवेंट हैंडलर कोड अपडेट, तो ये कंप्लीट पोर्शन है अपना डेटा सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, और सब्सक्रिप्शन कैसे हम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जाओ, ये देखो मैंने क्या किया है कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिस्ट फंक्शन नाम क्रिएट कर रखा है, इफ यू गो ऑन दिस फंक्शन यू कैन सी, अभी हमने डिस्कस किया ये पूरा प्रोसेस कि कैसे हम FNO फाइल मैं रीड कर रहा हूँ, वहाँ से फ्यूचरिस्टिक के फिल्टर को सिंपल करके एवरीथिंग, और मैं क्या कर रहा हूँ कि केवल 120 सिंबल ही रीड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एलाइज ब्लू में केवल 250 आइटम ही सब्सक्राइब हो सकते हैं। ओके, तो अगर 120 हमारे फ्यूचर के स्क्रिप्ट हैं, तो सिमिलरली 120 हमारे पैरेलली होंगे कैश मार्केट के भी, टोटल कितने होंगे 240, तो बेसिकली आप 125 तक ही फ्यूचर के ऑप्शन, फ्यूचर के स्टॉक को सप्लाइज कर सकते हो मैक्सिमम, बट मैं 120 ले रहा हूँ। ओके, मैं लास्ट 120 वाली पिक कर रहा हूँ,
और मैंने यहाँ से इसके थ्रू इसे रिटर्न कर दिया, तो यहाँ से ये रिटर्न होगा इधर। और यहाँ मैंने क्या किया है कि आप अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें मैंने क्या किया, सिंबल भी पास किया और एक्सपायरी डेट भी पास किया। ओके, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे सिंबल करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइन देखो, इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, दिस वन फॉर एन एस सी कैश मार्केट, सॉरी या नो दिस वन फॉर फ्यूचर। ओके, मैं फ्यूचर सिंबल पे फेच कर रहा हूँ, सिंबल इज इक्वल टू डेट सपोज ए सी सी, और एक्सपायरी डेट अपने को पता ही है जो कि हमने एक्सेल शीट से फेच की हुई है। एक्सपायरी डेट के बेस पे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, फिर सब्सक्राइब कर देंगे, और ये तो सिंपल अपना कैश मार्केट का एन एस सी के बेसिस पे। तो बेसिकली ये पूरा रो यही कर रहा है, सॉरी ये पूरा लूप कि हर एक डेटा को रीड कर रहा है अपने एक्सेल से और उसको सब्सक्राइब कर रहा है एल आई एस ब्लू के डेटा फीड से। ओके, जैसे ये कंप्लीट होगा अपना डेटा फीड स्टार्ट हो जाएगा। ये हुआ लॉग इन कंटेंट का फीचर और ये बहुत ही बेसिक है। फिर आते हैं यहाँ। ओके, ये तो हो गया लॉग इन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर, ऑर्डर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि अपने ऑर्डर प्लेस करना है। दिस वन इज क्रिएटिंग ए क्लास नेम प्लेस ऑर्डर, यू कैन गो ऑन प्लेस ऑर्डर। ये देखो लास्ट वीडियो में क्या था, हम ऑर्डर जो प्लेस करते थे ब्रैकेट ऑर्डर था। ओके, बट यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है नॉर्मल ऑर्डर। इसके में यहाँ पे एक और फंक्शन लिख रखा है, ये ऑलमोस्ट सेम है, नथिंग इज डिफरेंट हियर। मैंने एक और फंक्शन बना दिया है तो इसमें कुछ बताने को नहीं है वैसे, सिंपल यहाँ हम पैरामीटर पास कर रहा हूँ, सिंबल एक्सचेंज क्वान्टिटी और बाई करना है सेल करना है। ये पैरामीटर पास करेंगे और ये ऑर्डर बाई सेल हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग अपने यहाँ रिस्पॉन्स भी मिल जाएंगे। तो यू विल गेट दिस कोड, सो आप एक्सप्लोर करना ये वाला पोर्सन, ईजी है सिंपल। आते हैं वापस इधर। आफ्टर देन आई वेट फॉर 30 सेकेंड। वाई? क्योंकि एल आई एस ब्लू मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम रन करता हूँ तो मुझे कुछ 5 और 4 मिनट पीछे की डेटा आती है। तो जितना जल्दी हम अगर हम वेट करेंगे 30-40 सेकेंड तक, फिर डेटा लाइव आने स्टार्ट होती है। दैट्स आई वेट फॉर 30, यू कैन गो फॉर 40-50 वॉट एवर योर क्राइटेरिया। आफ्टर देन चेक स्पीड, इसमें क्या है, ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही 30 सेकेंड हो जाएगा फिर अपने डेटा कलेक्ट हो चुके होंगे डेटा फ्रेम में, तब तक उसके बाद अपने क्या करना है कि चेक करना है कि कहाँ पे स्प्रेड पॉसिबिलिटीज हैं, फिर हम ऑर्डर शूट कर लेंगे, सिंपल। तो अब आते हैं हम चेक स्प्रेड फंक्शन पे। एक्चुअली ये अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, इट्स एम्प्टी। ओके, इससे पहले हम एक और फंक्शन देखते हैं, दिस वन इवेंट हैंडलर कोड, क्योंकि यहाँ भी है बेसिकली अपने को इस फंक्शन के अंदर इवेंट हैंडलर कोड एंड दिस वन चेक स्प्रेड, बेसिकली इसमें अपने को चेक करना है कि स्प्रेड है या नहीं, स्प्रेड अपॉर्चुनिटी है या नहीं। यही दो फंक्शन अपने को एडिट करने हैं, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम है। कम हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तो मैंने जो अगर फॉर्मेट देखोगे तो वहाँ से मैंने क्या किया है कि एक्सचेंज निकाले हैं, एक्सचेंज के टाइम स्टैम्प, सिंबल एक्सचेंज मीन्स एन एस सी और एन एफ ओ, लॉट साइज चाहिए अपने को इनके साथ फ्यूचर, और इसको मैंने यहाँ प्रिंट कर रखा है सिंपल। अभी हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, और एल टी पी मैंने लिया है बेस्ट आस्क प्राइस, मैंने एल टी पी नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप बाई करने जाओगे तो जो एल टी पी होगा उस पर आपको शायद ऑर्डर एग्जीक्यूट होना हो, क्योंकि आपने ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट करना, इसलिए मैं आस्क प्राइस लेकर चल रहा हूँ कि अगर हम बाई करेंगे तो अपने को आस्क प्राइस चाहिए, जो भी बेस्ट आस्क प्राइस है उसको मैं एज एल टी पी ट्रीट कर रहा हूँ, और फ्यूचर के केस में मैं बेस्ट बिड प्राइस को एज एल टी पी ट्रीट करूंगा। ओके, जस्ट रन दिस कोड एंड सी व्हाट नाउ हैपन राइट नाउ। अभी राइट नाउ इट्स 11:02 PM, यू कैन सी टाइम ऑन माई डेस्कटॉप। अभी कुछ होगा नहीं, बट अपने को आइडिया मिल जाएगा कि करेंटली अभी हमारा कोड क्या रिटर्न कर रहा है, यू कैन सी। जैसे कि ये लास्ट टाइम इस टाइम पे जो डेटा अपने पास है वो आ रहा है, तो देखो क्या वहाँ पे बजर प्रिंट सब्सक्राइब हो गया, अप्रैल फ्यूचर, ये इसका प्राइस है, और ये देखो टाइम इस टाइम पे लास्ट टाइम इज इक्वल टू 4:59। आज आज से पता होगा, आज एन एस सी हार्ट थी फॉर 2 or 3 hours, तो आई थिंक आज मार्केट 5 तक एक्सटेंड हो गई थी, दैट्स वाई डेटा इज शोइंग अस 16:59। और सिमिलर ये देखो बजर प्रिंट का फ्यूचर है, ये देखो बजर प्रिंट है, फिर ऐसे भारत फोर्थ, ऐसे ही करते सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे सब्सक्राइब हो गए हैं। डेटा भी जीरो आ रही है, कुछ में कहीं भी आ रही है, बट वो अपना अभी कंसर्न नहीं है क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, बट अब ये देखो ना कि यहाँ डेटा आ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, देखो डेटा सब्सक्राइब हो गया, अब हमें क्या करना है कि हर एक रेगुलर इंटरवल पर लाइट 10 सेकेंड और 15 सेकेंड पे हमें क्या करना होगा, बजर प्रिंट और ये बजर प्रिंट अप्रैल फ्यूचर, इन दोनों के स्पॉट प्राइस को, सॉरी इन दोनों के करस्पॉन्डिंग मार्केट प्राइस को कंपेयर करना है। जैसे लाइक यहाँ पे 724.75 है, यहाँ पे 724.98, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो अगर ये डिफरेंस आपके स्ट्रेटजी को सूट करता है, मतलब आपके अपेटाइट को सूट करता है, तो आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये अपना प्रोसेस होगा, हर एक 10 सेकंड पे हम चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग भारत फोर्स को भारत फोर्स के साथ, भारतीय डेटर को भारतीय डेटर के साथ स्प्रेड है तो बाई करो, सेल करो, वाट एवर। ओके, अब चलते हैं अपने मेन पार्ट की कोडिंग पे। आई जस्ट कैंसिल दिस वन, ओके इट्स नॉट कैंसिल, फाइन, इट्स बैक हियर। अपने क्या करना है कि हम यहाँ पे जब भी ये इवेंट हैंडलर कोड कॉल हो गई डेटा फीड से, तो हम उस डेटा को एक डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे। ओके, सो आई हैव रिटन दैट कोड, तो मैं बस सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके,
अभी मैंने क्या किया कि यू कैन सी फ्रॉम लाइन 27 यहाँ से लेके इधर तक ये लाइन मैंने अभी ऐड की है, बाकी ऊपर की तो पहले थी ही, हम डेटा फेच कर रहे थे एंड उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। करंट टाइम बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा था जब हम इन्हें प्रिंट कर रहे थे, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ, करंट टाइम का कोई यूज नहीं है। अभी क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम ये कॉल होगी, लाइक इन केस यू अंडरस्टैंड दिस, ओके लेट्स सपोज कि अपने को पहले हिट आई आरती इंडस्ट्रीज की, ओके आरती इंडस्ट्रीज की आई, मे बी इट्स अ फ्यूचर और मे बी इट्स अ स्पॉट, अपने को पता नहीं है, कोई फंक्शन कॉल हो सकता है। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम जो हिट आ रही है वो इक्विटी की है, सिंपल मीन्स कैश मार्केट, तो पहले हिट आएगी आरती की, तो हुआ क्या, ये सब तो फेच करेगा ही, फाइन। हम क्या करेंगे, अगर वो एक्सचेंज मैंने पिक कर रखा है, इट्स नॉट एन एफ ओ, ओके हम चेक करेंगे क्या वो एंट्री ऑलरेडी अपने डेटा फ्रेम में है, अगर वो होगी तो हम क्या करेंगे कि वहाँ उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे सिंपली, ओके हम बस अपडेट कर रहे हैं वैल्यूज को, हम अपेंड नहीं कर रहे हैं, ओके राइट नाउ अगर यहाँ पे देखो आप, देखो मैंने क्या किया, 120 ही स्क्रिप्ट सब्सक्राइब कर रखे, तो हमारा जो डेटा फ्रेम होगा उसमें एट एनी टाइम 120 से ज़्यादा एडवेंट नहीं होंगे, ओके और हमेशा जब भी नई वैल्यूज आएंगी तो हम बस फ्यूचर की और इक्विटी प्राइस को अपडेट करते रहेंगे, हम अपेंड कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू अपडेट एवरी टाइम। ओके जब फर्स्ट टाइम एंट्री आएगी तो फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम जब होगा तो अपना डेटा फ्रेम इनपुट होगा, तो हमारा एन एफ ओ होगा, ओके तो हम क्या करेंगे स्प्लिट कर लेंगे फर्स्ट एलिमेंट को, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो तो ए सी सी का जो कोड था वो था ए सी सी अप्रैल फ्यूचर, तो अपने को केवल ए सी सी चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया स्प्लिट कर लिया है ऑनली ए सी सी और एल टी पी अगर है जो भी, मैंने बताया ना आपको फ्यूचर केस में अपने को चाहिए केवल बिड प्राइस, क्योंकि अपने को सेल करना है, तो अगर सेल करना है तो मुझे चाहिए बिड प्राइस, क्योंकि जब आप एल टी पी कंपेयर करोगे अगर तब वो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, जब ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो बिड प्राइस डिफरेंट होगा, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ, इसलिए मैं बिड प्राइस ले रहा हूँ। तो एल टी पी ले लेंगे हम फ्यूचर केस में, आफ्टर देन हम चेक करेंगे क्या वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट है डेटा फ्रेम में, अगर वो है तो हम उसे अपडेट कर देंगे, लाइक आई शो यू जस्ट मैंने एनाकोंडा पे देखा था ना कैसे हम अपडेट करते हैं एग्जिस्टिंग कोड को, और वहाँ देखो मैंने चेक किया इंस्ट्रूमेंट इन डी एफ इंडेक्स, अगर है तो अपडेट कर देगा, अगर नहीं है यहाँ पे आएगा दिस वन दिस एल्स वन, ओके यहाँ पे क्या कर रहा है वो सिंपली अपेंड कर देगा। तो हो गया रहा है कि जब फर्स्ट टाइम पे जब अगर कोई एंट्री नहीं है आरती के नेम से, लेट्स सपोज आरती केस हमारा है आरती इंडस्ट्री, तब तो वैल्यू सीधा आएगी और डेटा फ्रेम में अपेंड हो जाएगी, ये दिस वन इज अपेंडिंग। जब सेकंड टाइम आरती इंडस्ट्री आएगी, लेट्स अपेंड सेकंड आफ्टर 2 सेकंड बाद, तब क्या होगा कि चेक करेगा तो यहाँ पे अब नहीं आएगा, क्योंकि अब इसे यहाँ पे मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट इन डी एफ इंडेक्स, फिर क्या करेगा ये अपडेट करता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि फर्स्ट जब भी अपनी फर्स्ट एंट्री आएगी हम उसे अपेंड करेंगे, उसके ऑन जितनी भी एंट्रीज आएंगी हम चेक करेंगे कि वो एंट्री अगर ऑलरेडी है तो हम केवल उसके फ्यूचर एल टी पी लॉट साइज और फ्यूचर सिंबल के करस्पॉन्डिंग हम अपडेट कर देंगे, और एन एस सी होगा तो वो हम उसे स्पॉट प्राइस को चेंज कर देंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस इतना ही पोर्सन है कॉम्प्लिकेटेड, बस इतना हम करना सिंपल, ओके और आफ्टर देन एट द एंड अपना डी एफ मेंटेन होता रहेगा, मतलब डी एफ में क्या होगा हमेशा अपना लेटेस्ट वैल्यू बनती रहेगी। ओके ये पूरा था अपना ये इवेंट हैंडलर कोड, आप एक बार ये कोड रन करना आपको आइडिया मिल जाएगा एग्जैक्टली, और अभी मैं प्रिंट करूंगा वैल्यूज को आपको समझ आ जाएगा। ओके एंड अनदर थिंग व्हाट आई नीड टू डू शो यू, उसके बाद ये तो वो अपना हम डेटा फ्रेम में अपेंड कर रहे हैं, अब क्या होगा यहाँ पे देखो दो पैरामीटर मैंने असाइन कर रखा है, स्प्रेड लिमिट क्या है कि आपको कितने पॉइंट पे ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना, लाइक अगर आपको 2% चाहिए तो आप इसे 2 चेन सेट कर सकते हो, कि 2% की स्प्रेड होगी तो ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा, वाट एवर योर क्राइटेरिया, मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ सिंपली, क्योंकि 1 पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, तो अपने को एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। और टाइम फ्रेम आप कितने टाइम इंटरवल फ्रेम के इंटरवल पे चेक करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ 20 सेट कर रखा, तो आपको ये दो पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। ओके आफ्टर दिन चलते हैं हम अपना नेक्स्ट कोड, ये अपना चेक स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें तो बस वैल्यूज अपेंड हो रही, अब आफ्टर हर 20 सेकेंड अपने को चेक भी करना है ना कि अगर अपना जो भी ये स्प्रेड है दिस मंथ, इस स्प्रेड लिमिट में कोई अगर स्टॉक आ रहा है तो अपने को उसे बाय या सेल करना है। ओके इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले चेक स्पीड का, इसे वो मैं इंप्लीमेंट कर रखा है मैंने, आई जस्ट कॉपी द कोड एंड एक्सप्लेन यू हाउ इट विल वर्क। सो लेट्स सी कि चेक स्पीड फंक्शन में इज द इस सभी लाइन का मतलब क्या। ओके ये सिंपल वेरिएबल है, इग्नोर दिस पॉइंट, यहाँ पे देखो मान लो कि अपना टाइम फ्रेम है 20 सेकेंड, जैसे ही 20 सेकेंड इलेप्स होगा उसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा चेक स्प्रेड। ओके और ये स्प्रेड डी एफ में क्या होगा कि हम जो डी एफ जो इधर अपना ये इस पर यहाँ पे हम अपने डेटा को अपेंड कर रहे हैं स्टॉक प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस को, वहाँ पे इधर उसको हम कॉपी करेंगे स्प्रेड डी एफ में सेव कर लेंगे, और फिर हम डी एफ को इम्पटी कर लेंगे, जो अपना मेन डेटा फ्रेम था
उसको हम बटे करके एक स्प्रेड डीएफ में हमने असाइन कर लिया। बेसिकली हमने मूव कर लिया, तो हम कंप्यूटर में करते हैं ना कट एंड पेस्ट जस्ट लाइक दिस थिंग। तो हम यहाँ से वैल्यू उठाई, हमने स्प्रेड डीएफ में डाल दिया और डीएफ को हमने बटे कर दिया। अब क्या होगा, डीएफ में नई वैल्यू एड होती रहेंगी टिल नाउ, तब तक हम स्प्रेड डीएफ में चेक करेंगे कि फ्यूचर और स्पॉट में क्या डिफरेंस है, और अगर वो डिफरेंस हमारे स्प्रेड लिमिट के क्राइटेरिया को मीट करता है तो हम क्या करेंगे, उन स्क्रिप्ट को बाय कर लेंगे। सिंपल, ये देखो यही कर रहा है वो, उसने एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया गैप नेम से, फिर वो गैप चेक कर रहा है कि क्या ये स्प्रेड लिमिट और गैप इज आर फुलफिलिंग और सिनेरियोस, अगर हाँ तो ये स्प्रेड डीएफ में साइन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जितने भी स्क्रिप्ट अपने को फिल्टर होंगे हम उन्हें करस्पॉन्डिंग यहाँ पे उन्हें बाय कर, ये सिंपल बाय का कोड है। यू कैन सी हियर, मैं कर रहा हूँ फ्यूचर को सेल कर रहा हूँ, यू कैन सी फ्रॉम हियर मैं सेल कर रहा हूँ और स्पॉट को मैं बाय कर रहा हूँ। इसके बाद ये रिस्पॉन्स है जो भी अपने को मिलेंगे, और फिर मैं उस स्क्रिप्ट को ऐड कर दूंगा ट्रेडेड स्क्रिप्ट में, जिससे कि स्क्रिप्ट बार दोबारा से ट्रेड हो। और ऑलरेडी मैंने ट्रेडेड स्क्रिप्ट में क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो दो एंट्री कर रखी है मैंने, ये बैन जो स्क्रिप्ट बैन है उनको यहाँ मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, क्योंकि इसमें तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट्स व्हाई ऑलरेडी जैसे आज वेल और पीएनबी इन बैन लिस्ट। बट अगर आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो तो कोई बंदा एक से ज़्यादा सिचुएशन सॉरी एक से ज़्यादा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं पिक करेगा, ऐसा नहीं होगा कोई बंदा यहाँ पे पांच पांच स्क्रिप्ट में ट्रेड करेगा मोस्टली, क्योंकि 8-9 लाख आपको लगाने हैं, एक सिंपल रिटेलर एक से ऑर्डर लेने वाला नहीं है। बट स्टिल मैंने यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट दिखा दिए, इन योर केस यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस स्प्रेड डीएफ, और जहाँ से ज़्यादा स्प्रेड दिख रही है आपको उसी एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो आप यहाँ से इस लूप को ब्रेक कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट मैंने एक सिंपल सिचुएशन यहाँ पे दिखा दिया। ओके, दिस इज कंप्लीट कोड एंड यू नो आई शेयर दिस कोड ऑन टेलीग्राम, तो अभी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, तो आप इस पर इसको रन करके अपने सिस्टम पे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। ओके, सो इट्स जस्ट टाइम फॉर प्रैक्टिकल। ओके, हम चलते हैं लाइव मार्केट में और देखते हैं कैसे एग्जैक्टली ये चीज़ें वर्क करती हैं, आपको बेटर आइडिया मिलेगा। ओके, सो टाइम फॉर लाइव डेमो, और आपको जो दो पैरामीटर यहाँ पे सेट करने हैं वो स्प्रेड लिमिट और टाइम फ्रेम। तो मैंने टाइम फ्रेम लिया 20 सेकेंड, तो मैं इसे 10 सेकेंड कर देता हूँ, और स्प्रेड लिमिट है 1%, मीन्स कि अगर जिस भी स्क्रिप्ट के फ्यूचर और कैश के स्पॉट प्राइस में अगर 1% ज़्यादा डिफरेंस होगा वो हम बाई कर लेंगे। ओके, मतलब बेसिकली हम वहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ये दो पैरामीटर आपको चेंज करने फाइन, उसके अलावा यहाँ पे ही है, ये देखो एक और चेंजेस जो आपको करने पड़ेंगे, मतलब ये स्पेसिफिक हो सकते हैं स्क्रिप्ट लिस्ट। अब यहाँ भी मैंने केवल 120 स्क्रिप्ट लिया है और मैंने लास्ट के 120 उठाए हैं। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लिस्ट होगी आप इस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि आप कौन से स्क्रिप्ट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, तो ये आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक ये ऑप्शन है दो, और यहाँ पे ये स्प्रेड लिमिट टाइम फ्रेम, और बाकी ये बैन पीरियड। तो मैंने आज का तो बैन चेक नहीं किया, बट ठीक है, लेट्स सपोज कि आज भी वेयर और पीएनबी बैन में होंगे। ओके, सो लेट्स रन दिस थिंग एंड टाइम इज अराउंड इट्स 10:22 AM। ओके, 25th February, जस्ट रन दिस थिंग। और वन मोर थिंग, ये देखो इधर अपना है, ये मेरा है एडाज ब्लू का अकाउंट, यहाँ पे देखो कोई ऑर्डर नहीं है राइट नाउ, एवरीथिंग इज 0-0। और यहाँ पे ऑर्डर मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर नो फंड इन माई अकाउंट। ओके, अपना मोटिव इज लर्न करना, जस्ट रन दिस थिंग एंड सी व्हाट हैपन, आई रन इट या फाइन, सब कुछ सही है। अब देखो क्या है, 30 सेकेंड तक ये वेट करेगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यू कैन सी हियर टाइम स्लिप 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक ये वेट करेगा। मैं 30 सेकेंड तक हम डेटा को पहले हम गैदर करेंगे। मैंने बताया था ना आपको कि एलआईएस ब्लू मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टार्टिंग में 10 सेकेंड तक डेटा बहुत डिले आ रही है, लाइक अभी देखो अभी हुआ 10:23, तो डेटा आता है 10:22 का या 10:20 का आता है, तो इसलिए मैं 30 सेकंड तक वेट करूँगा, उसके बाद डेटा रिफ्रेश जाएगी तब अपने को लेटेस्ट डेटा मिलेगा। एंड दैट्स आई एम सेट दिस 30 सेकंड, यू कैन सेट इट 1 मिनट आल्सो, मैन 60 सेकंड, इट्स अप टू यू, जस्ट वेट आफ्टर 30 एंड आई थिंक आफ्टर 40 सेकंड, 30 सेकंड तो यहाँ वेट करेगा ये, और आफ्टर आए देखो आ गया फाइन। ये देखो क्या हुआ, यू कैन सी 120 रो आए यहाँ पे, आप देख रहे हो, ऑब्जर्व करो कॉलम को, देखो क्या यहाँ पे सिंबल है, ये देखो टाइम स्टैम्प है, और ये देखो स्पॉट की प्राइस है 7222, और फ्यूचर की प्राइस है ये, और लॉट साइज मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है, और ये फ्यूचर का सिंबल है क्योंकि अपने को ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए सिंबल भी चाहिए होगा, और ये देखो गैप कितना है 0.50। तो गैप देखो ये अभी तक कोई भी गैप हमें 1% से ज़्यादा नहीं मिला, देख रहे हो 7178, इसलिए अभी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब ये देखो सेकंड टाइम, ओके एक्चुअली मैंने यहाँ पे दो टाइम प्रिंट, लेट मी सी, ओके मैंने देखो क्या किया है, दो बार प्रिंट किया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने प्रिंट किया है सिंपल, मतलब कोई फिल्ट्रेशन नहीं की,
हमने केवल गैप कॉलम ऐड किया और प्रिंट कर दिया। तो ये वाला डेटा फ्रेम है, यहाँ पे बस सिंपल एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ प्रिंट किया था। और सेकंड देखो, ये क्या किया है कि लिमिट स्प्रेड लिमिट को के अकॉर्डिंग फिल्टर करने के बाद कितने स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुए इस वो प्रिंट किया गया यहाँ पे। वो ऑप्शन ये वाला देखो कितने आए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइडिया, इन्फी, मारुति, ये। तो बेसिकली आउट ऑफ दिस 120 डेटा फ्रेम अपने को मिले कितने, 1, 2, 3, 5 स्क्रिप्ट अपने को मिल गई, सॉरी 4, जिसमें कि स्प्रेड 1% से ज़्यादा था। आप देख रहे हो 1.0, 1.2, 1.0 एंड 1.12। तो इन चारों में क्या हुआ कि अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ये देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रखा है, हिंदुस्तान अब यूनिलीवर अप्रैल फ्यूचर एंड दिस स्क्रिप्ट। स्टेटस देखो रिजेक्टेड है क्योंकि मैंने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। देखो यहाँ 4 ऑर्डर प्लेस हो गए, एचयूएल, आइडिया, इन्फी एंड मारुति। और फिर ये चेक करेगा और देखो अब आगे ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ना ट्रेडर स्क्रिप्ट में ऐड कर रखा है ना। यहाँ पे अगर कंडीशन देखो तो रो इंडेक्स डॉट इन ट्रेडर स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट ट्रेड हो गया तो नेक्स्ट टाइम अब ये ट्रेड नहीं होगी। तो अब देखते हैं, हमने यहाँ पे 4 ऑर्डर प्लेस कर लिया है। ऑर्डर कैसा प्लेस हुआ होगा, कैश में अगर हम हिंदुस्तान यूनिवर ले तो कैश में 300 क्वांटिटी बाई हो गई होगी और फ्यूचर में 1 लॉट सेल हो गया होगा। सिमिलरली फॉर ऑल दिस 4 स्क्रिप्ट, तो लेट्स गो टू आवर एंड, तो ये मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यू कैन सी हियर। ये देखो आ गया अपना ऑर्डर, किसने कौन सा ऑर्डर, देखो ये देखो एक्चुअल प्लेस हो गया। देखो बाई हुआ है कितना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो बाई ऐसे हुआ तो नहीं है, बट स्टिल अब यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये देखो बाई ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था। फाइन, फिर ये देखो क्वान्टिटी 300 मैंने ऑर्डर किया था, मतलब बेसिकली 300 मैंने प्लेस किए थे। सिमिलरली ये देखो फ्यूचर सेल हुआ, फिर आइडिया का ये देखो फ्यूचर सेल हुआ, ये आइडिया यहाँ पे ये बाई हो गया, फिर ऐसे इन्फी, फिर मारुति। और हमने एक तरह से आर्बिट्राज ट्रेडिंग यूज करके ये ऑर्डर इतने एग्जीक्यूट किए हैं। वैसे प्रैक्टिकली आप इतना ऑर्डर नहीं करोगे, आप मैक्स टू मैक्स एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा। यू कैन द बेस्ट ऑप्शन इज जैसे यहाँ पे देखो 1.26, इसमें सबसे ज़्यादा स्प्रेड है आइडिया में, तो आप आइडिया वाला एग्जीक्यूट कर लोगे। तो आप शॉर्ट कर सकते हो गैप के बेसिस पे, सॉरी गैप कॉलम को शॉर्ट करो, सबसे फर्स्ट एलिमेंट को पिक करो, इस पर ऑर्डर केवल एक एलिमेंट एग्जीक्यूट कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अब हम अगले वीडियो में आते हैं कुछ नए टेक्निक, कुछ नए लर्निंग के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओवर एंड आउट, बाय।